एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल द फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं हूं आपकी दोस्त राधि, और अभी हम वीकली एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, और वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि किस तरीके से आगे के लिए हमें व्यू देखने को मिल सकता है। और इसके साथ जो हमारा आज का एनालिसिस है फ्राइडे का, वो भी देखेंगे कि डे टाइम फ्रेम पर मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी भी है कि गैप अप हो तब और गैप डाउन हो तो हम किस तरीके से एक्शन लेते हैं, मार्केट में किस टाइम पे हमें सी बाय करना चाहिए, पी बाय करना चाहिए, या छोड़ देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लस में एक और चीज़, जो थर्ड थिंग ये है कि जो आप डिमांड कर रहे हो ओआई ट्रैकर के बारे में, मैं आपको एक बार समझा दूँ तो किस तरीके से वो वर्क करते हुए दिखाई दिया ना आज के चार्ट में, वो भी मैं आपको एक बार समझाने की ट्राई करूंगी। उसके बाद आप खुद ट्रैक करना उसको, और उसके रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप आके पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट किस तरीके से एक्शन में है और किस तरीके से हमें मूव देते हुए दिख रही है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो जो वीकली टाइम फ्रेम है, अभी यहाँ पर सिर्फ इनसाइड बार चल रहा है, ठीक है। इनसाइड बार जब भी बनता है एक टाइम पर, तो उसका जो ब्रेकआउट आता है वो काफी अच्छा आता है। जैसे आप इधर के साइड देखोगे तो इनसाइड बार था, इसके साइड में ब्रेकआउट आया था, फिर डाउन साइड में यहाँ पर था मार्केट, उसके बाद इनसाइड बार बना, हमें ऊपर के साइड तक एक तरीके से वोलेटाइल मार्केट होते हुए दिखाई दी, फिर यहाँ पर दोबारा से एक सपोर्ट के पास था, इनसाइड बार बना और मार्केट में फिर ऊपर के साइड रैली आई। तो अगर इनसाइड बार किसी एक इम्पॉर्टेंट जगह पे, मान लो सपोर्ट पर है, रेजिस्टेंस पर है, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, फिर कोई एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसका ब्रेकआउट अगर हमें मिला है, तो वहां पर अगर हमें इनसाइड बार दिखता है तो उसके ऊपर भी हम एक बार डीपी एनालिसिस करेंगे इनसाइड बार के ऊपर। बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है अभी समझने के लिए, कि वीकली टाइम फ्रेम पर आपको एक इनसाइड बार दिख रहा है, तो जिधर के साइड भी ब्रेकआउट आता है, चाहे वो ऊपर के साइड कंटिन्यू करे, डाउन साइड कंटिन्यू करे, वो देखना है। क्योंकि इस टाइम पे प्राइस को देखकर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिससे ये पता कर सके कि आगे के लिए व्यू क्या हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको, ये जिस टाइप की डोजी कैंडल दिख रही है, ये हैमर कैंडल दिख रहा है, जिस तरीके से ये हैमर कैंडल बना है उसके अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव होना चाहिए मार्केट, बिकॉज डाउन साइड में है। बट अगर इस हैमर कैंडल के नीचे प्राइस अगर जाता है तो डाउन साइड में फिर हमें मूवमेंट दिख सकती है, वरना मार्केट में फिर हमें अपसाइड में मूवमेंट दिखेगी। अब यहां पर अगर हम समझ लेते तो यहां पर मेन चीज क्या हुई है, जो डाउनफॉल है, अगर आपको यहां पर एक पैटर्न दिख रहा होगा जो कि बेस फॉर्मेशन वाला पैटर्न है, डब्लू पैटर्न, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली कैंडल अगर ग्रीन होती, बट ऑब्वियस वाली बात है कि यहाँ पर जो है इस टाइम पर आज जो है वो गैप अप बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, तो उसकी वजह से जो है हमें थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली मार्केट में। बट जो स्ट्रक्चर है अगर उसके अकॉर्डिंग जाते तो बेस फॉर्मेशन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा अगर इस वाली लाइन के ऊपर जो है मार्केट अगर ऊपर जाता है, इसको क्रॉस करता है, जैसे इस टाइप की तरह के मार्केट ऊपर जाता है, फिर एक तरीके से एंड पैटर्न बनता है, यानी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की साइड जाता है, तो हमें ऊपर की साइड का ट्रेंड मिल सकता है। बाकी डाउन साइड में जाने तो इधर के साइड से जिस तरीके से ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये नीचे के साइड पे ब्रेकआउट देती है डाउन साइड में, तो हमें एक ट्रेंड मिल सकता है डाउन साइड में। बाकी ये रेंज जो है वो बन रही है, रेंज कॉन्ट्रेक्शन के बारे में मैं आपको हमेशा समझाती हूँ। सो यहाँ पे जो रेंज है कि वाइड रेंज थी, थोड़ी बहुत नैरो बनती आ रही, तो लिटिल बट मोर कंसोलिडेशन क्या पता दिखे, और फिर डाउन साइड में अप साइड में जिधर की साइड भी ब्रेकआउट हो उधर के साइड पे हम एक प्लान कर सकते हैं ट्रेड का यहाँ पर। अच्छा, अभी अब डेली टाइम फ्रेम से अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, एक बार देखेंगे कि आज मार्केट में किस तरीके से एक्शन देखने को मिला, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी समझेंगे कि बैंक निफ्टी में भी किस तरीके से एक्शन देखने को मिला। पहले बात तो ये, मार्केट में ना आप एक बार गैप अप देखो। मैंने ना आपको टेलीग्राम पे, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कराया तो कर लीजिए जाके। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था जब मार्केट में, कि आफ्टर सच अ बिग गैप अप मार्केट किन कंसोलिडेट है, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इसमें कुछ बड़ा ऐसा ज्ञान वाली चीज नहीं है, इट इज वेरी ऑब्वियस। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये अगर आप देखते हो तो 304 पॉइंट का जो गैप अप ऑलमोस्ट हमें मिला, 1.8% का जो गैप अप यहाँ पर हमें मिला, उससे निफ्टी में इतना, इससे ज्यादा हाई और कितना होगा, ठीक है। और अगर आप बैंक निफ्टी में जाकर देखते हो ना, तो बैंक निफ्टी में जो गैप अप आपको दिखेगा इधर के साइड से, अगर हम बैंक निफ्टी का गैप अप देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का गैप अप यहाँ से लेकर और इस वाले लग, तो ऑलमोस्ट 880 पॉइंट्स है, 900 के आसपास, और 2.5% का गैप अप। तो यहाँ से मतलब इतना, देखो
बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट का गैप अप हो तो उसके बाद हम मार्केट में कुछ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन हमें क्या पता दिख जाए। निफ्टी में अगर 50, 100, 150 पॉइंट्स का गैप अप हो तो हम कोई प्राइस एक्शन प्लान कर सकते हैं कि मान लो दिख जाए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या ना, एकदम से इतना ज्यादा गैप अप आ गया तो उसके बाद ना जो प्राइजेस होते हैं ना वो सेटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कोई BTST लेके गए हैं, ठीक है, या फिर जो भी जिनकी भी जो भी पोजिशन बनी थी पहले, वो जो भी है अपने यहाँ पर वो अपनी पोजिशन कट करेंगे, जो BTST में गए हैं, जो कॉल्स लेकर गए थे, ठीक है, वो अपनी पोजिशन कट करेंगे इधर के साइड पर। और इसके अलावा जो जिन्होंने डाउन साइड की पोजिशन बनाई हुई थी वो फंसे हैं तो वो अपनी पोजीशंस कट करेंगे, वो अपने लॉस में बुक करेंगे, कोई प्रॉफिट में बुक करेगा। ये मार्केट चलती रहती है स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक, तो मार्केट जो होता है ना वो गैप अप के बाद सेटल होता है पहले। तो गैप अप और गैप डाउन का सीन यही होता है कि लेट द मार्केट सेटल इटसेल्फ, कि वो अपने आप में एक बार सेटल हो जाए, उसके बाद फिर हमें कोई प्राइस एक्शन दिखाए और तो उसके बाद हम जो है ट्रेड ले। आज मार्केट में अगर मैं देखूँ ना, आपको एक चीज बताऊं, जो मेरा मेन बेस है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मेरे लिए डे हाई डे लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर क्या चीज बनती है, जो ये हमारा जो फर्स्ट कैंडल, हमारा ये डे हाई था, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक बना रहा था, ऑलमोस्ट 1140 तक। अब यहाँ पर एक जो OI ट्रैकर है उसने किस तरीके से वर्क करा वो भी समझेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं था, इधर के साइड से आपको W पैटर्न भी दिख रहा होगा, इधर के साइड से ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी, इसको ब्रेकआउट जैसे समझदार लोग होते हैं कुछ, हाँ ठीक है ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर से हम बाय कर लेंगे, इस टाइप के आपको पैटर्न्स कुछ दिखे होंगे, ये आपने लंबा कर दिया तो यहाँ से W पैटर्न, ये वाला पैटर्न थोड़ा बहुत वर्क करा था यहाँ पर। लेकिन आपको ना एक बार जो है ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि अगर मार्केट में गैप अप हो जाता है तो मोस्टली जो है वो पॉइंट्स जो है मार्केट रन कर चुकी है, तो उसके बाद प्राइस और रन नहीं करता, प्राइस जो है वो रेस्ट करता है उसके बाद। तो हमें भी मार्केट से जाके कुछ होप नहीं रखनी चाहिए, जो होप में जाते हैं ना कि ये ले लेंगे तो कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं रखना है। और जो गैप अप होता है उसके टाइम पे जो प्रीमियम्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से मार्केट खुलेगा, जैसे आपने देखा है ना कि कोई भी ब्रेकआउट होता है शार्पली तो जो प्रीमियम होते हैं वो एकदम से हाई हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब इतना बड़ा गैप अप खुलता है तो प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो प्रीमियम सेटल हो रहे होते हैं गैप अप के टाइम पे। ओके, और प्रीमियम को पहले हमें सेटल होने देना है। और अगर आपने मान लीजिए गैप अप हुआ भी, और एक और इंपॉर्टेंट चीज भी मैं इसमें बताऊंगी, वो वाली तो शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो मैं बताऊंगी इसमें, बट पहले हम ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं कि जब भी इस तरीके का गैप अप होता है तो हम क्या करते हैं, मेनली खुलते ही उसमें घुस जाते हैं मार्केट में। लेकिन अगर आप उसी वाले मार्केट में उसी टाइम पर अगर आप एंट्री कर लेते हो ना, तो ऑलमोस्ट मार्केट को 50-60 पॉइंट्स रन करना पड़ेगा, तब आपको जाके आपके कोस्ट पर वो प्राइस आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए 200 पे कोई प्रीमियम ले लिया, तो वो प्रीमियम आपका प्रॉफिट में जब जाएगा जब मार्केट नेक्स्ट 50-60 पॉइंट्स रन कर लेगी, वरना उससे पहले जो है निफ्टी में ऑलमोस्ट, और बैंक निफ्टी में तो तब जब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स रन कर लेगा, बिकॉज इस टाइम पे प्रीमियम ना बहुत हाई होता है। यहाँ पर प्रीमियम अगर किसी साइड किसी डायरेक्शन में मूव देगा ना तो वो बढ़ेगा इतना नहीं, वो इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वो उल्टी डायरेक्शन में गया ना, फॉर एग्जाम्पल आपने सी बाय कर ली और जो मार्केट है वो ऊपर 50-60 पॉइंट्स मूव कर गया, तो आपका प्रीमियम 10-12 इतने पॉइंट्स बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट जरा सा गिरा ना तो आपका प्रीमियम तेजी से नीचे आएगा 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स। तो इस टाइम पे जो लेना होता है वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे लास्ट के टाइम पे क्या हुआ, जहां पर हम ये बोल रहे थे कि अगर ये वाला पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, सो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट था कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये मैंने यही चार्ट मैंने आपको दिया ना लास्ट में, एक बार समझने के लिए दिया था, ये कॉल नहीं थी, मैं कॉल्स नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ समझाती हूँ, ये बात आपको पहले से दिमाग में रखनी है। मैं मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कॉल्स दूंगी आके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, ये कर लो वो कर लो, ऐसा मेरा कुछ है नहीं नेचर, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग, इफ यू वॉन्ट टू अपग्रेड योर सेल्फ, अपडेट योर सेल्फ इन द ट्रेडिंग, की और बहुत सारी चीजें हो सकती है, सीख सकते हैं और एनालिसिस आपको फायदा हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप जाके ज्वाइन करिए, जितना मेरे से हो सकता है आपको सिखाने का उस लेवल तक मैं सिखाने की ट्राई करती हूँ। बट बाकी अगर आपको कोई कॉल मिल जाएगी और टिप्स मिल जाएगी उससे आपके पैसे बन जाएंगे तो वो मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको हर बार शायद मैंने इस टाइप का चार्ट मैंने 3 से 4 बार पहले भी शेयर किया हुआ है कि अगर कोई भी लेवल 3 बार टेस्ट हो चुका है तो फोर्थ टाइम वो बहुत शार्पली ब्रेक करता है, ठीक है। बट हम तो जिद्दी है तो हम तो एन पैटर्न के साथ या इनसाइड बार के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हम तो अपने डिसिप्लिन में है। सो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टाइम ये मैंने सर्कल्स आपको लगा के दिए कि प्राइस इतनी बार आ चुका है, इसका मतलब अगर 4 टाइम इधर के साइड आता है
तो हमें ब्रेक देखने को मिलेगा और हम एक ब्रेकआउट डाउन साइड के लिए वेट करेंगे। अब वो आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरीके से प्लान करते हो। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक ब्रेकआउट तो मिला। अब ये वाली ना कैंडल, इस पे वॉलेटिलिटी देखो आप, यहाँ पे कैंडल क्या हुआ 39,417 से 347, यानी ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स मूव कराया कैंडल ने और ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का ऊपर क्लोजिंग दे दी। जी 60 पॉइंट मतलब बनते बनते कैंडल में आपने अगर यहां से, अब देखो बिना एंड पैटर्न अगर टूटते ही अगर किसी ने एंट्री कर ली तो उसकी एंट्री होते होते यहाँ पर उसका प्राइस पड़ा होगा। और जब ये, जब तक ये मार्केट रन करी, जब तक ये कैंडल रन करी तब तक उसमें प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी उसका जो अल्टीमेट जो उसका पोजिशन है वो फिर लॉस में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद जो ये दोबारा से उल्टी के साइड डायरेक्शन में कैंडल दिए, इससे तो आपका आधा प्रीमियम चला गया होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड में, यहाँ पर एक ट्रेड प्लान था इस टाइप के एंड पैटर्न का, लेकिन जिस तरीके से ये विक बनी थी ना, ये इस टाइप के जो विक बनी थी वो मुझे काफी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने आगे कुछ उसमें बोला नहीं और ना ये वाला ट्रेड कुछ अच्छा सा था, ठीक है। हालांकि निफ्टी में काफी सही ट्रेड था ये, जो डे टाइम फ्रेम का जो यहाँ पर एक तरीके से ये ब्रेकआउट था ना डे लो का, अगर आप यहाँ पर देखते हो, वेट अ सेकंड, या अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा डे लो था, इसका जो है इस वाली कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, फिर कैंडल्स जो है ऊपर जाते हैं, ये हमें एंड पैटर्न काफी अच्छा मिला है। और उसके बाद फिर हमारे लास्ट तक काफी, यानी 1:1 तो आपको बहुत इजीली मिल गया होगा इस वाले लेवल पर, 1:1 तो बहुत इजीली, यहां तक 1:1 आपको बहुत इजीली मिल गया होगा। सो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे डे लो पे तो आपका ट्रेड बना है एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन बैंक निफ्टी में जो था जिसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी देर से मार्केट जो है ट्रेवल कर रहा है तो थोड़ा बहुत एक मूव मिल सके, लेकिन लास्ट में भी मार्केट अपने ही फॉर्म में रहा, हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी कि एक तरीके से सीधा मूव मिलेगा। मार्केट ने एक तरीके से अगर आप देखोगे ना तो मूव तो दिया है 422 से एंड 250 तक, यानी 200 पॉइंट का मूव है, लेकिन जो ये पॉइंट का मूव आया ना ये बहुत वॉलेटाइल था, इसमें कुछ फायदा होना नहीं था, ओके। सो इस तरीके से भी बहुत बार ऐसे दिन आते हैं कि आपका सेटअप सब कुछ ठीक है, आप इतने दिन से जो चीज टेस्ट करते आ रहे हो उसमें ही आपका जो है वापस से लॉस होने लगता है। सो बट इट्स ओके, इस टाइप के मार्केट में हम फेस कर लेते हैं, गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो है मेन। अच्छा, जो मेरे को आपको इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी वो इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखो अगर एक रेंज चल रही है, वन सेकेंड, ओके दिस वन, मान लीजिए एक रेंज डेली टाइम फ्रेम पर एक रेंज चल रही है, जो मैंने आपको कल चार्ट भेजा ना कि हम एक रेंज में है, मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो चार्ट मैंने आपको भेजा कि हम कल इस तरीके से प्लान करेंगे, हालांकि गैप अप बहुत बड़ा हुआ, तो ये यहाँ पे 15 मिनट में और डेली टाइम फ्रेम पर 5-6 दिनों की रेंज थी। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि जिधर के साइड भी मूव मिले वो काफी अच्छा मिले। अब ना, अब इसमें ना हम दो चीजें समझने के, यहाँ पर दो चीजें समझना, ठीक है। यहां से जब हम इस रेंज से निकलेंगे ना तो रेंज से निकलने के दो तरीके हैं, एक तो या तो प्राइस क्रॉस करके जाए और फिर हमें वन साइडेड मूवमेंट मिले, या फिर हमें गैप अप या फिर गैप डाउन मिले और इधर के साइड से प्राइस मूव करके जाए, नीचे के साइड वन साइडेड मिले, या ऊपर के साइड कहीं गैप अप हो जाए और डाउन साइड में कहीं गैप डाउन हो जाए। तो ये गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो होता है ना, ये रेंज को खराब कर देता है, ठीक है। अब मान लीजिए रेंज के बाद अगर गैप अप मिला तो अब समझने की बात क्या है, वो ये है कि अगर रेंज है और रेंज डेली टाइम फ्रेम पर 5-6 दिनों की है, ठीक है, और उसके बाद हमें कोई भी गैप अप या फिर हमें कोई भी गैप डाउन मिल जाता है तो जो हमारा प्राइस एक्शन रहेगा ना वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, प्राइस एक्शन उसी डायरेक्शन में रहने का मतलब कि अगर आप ऊपर खुलने के बाद उसको बेचने की कोशिश करोगे मार्केट को तो आप सिर्फ ट्रैप ही होगे, हर कैंडल पुल बैक दे देगी ऊपर के साइड पे। सेम सिनेरियो डाउन साइड में हम एक बार देख लेते हैं, अगर मान लीजिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती, अगर हो क्या हो रहा है, हाँ, अगर मान लीजिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस जो है वो डाउन साइड में जाता, लेकिन अगर हम बाय करने की ट्राई करते, गैप डाउन में बाय करने की ट्राई करते तो फिर हम ट्रैप होते, बिकॉज सारा प्राइस एक्शन डाउन साइड में मिलता। अब रीजन क्या है, हर चीज का एक लॉजिक होता है, बिना लॉजिक ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो यहां पर जब गैप अप हुआ तो यहां पर जो डाउन साइड के लिए शॉर्ट कर रहे थे वो फंसेंगे, और वो हर पॉइंट पर जैसे ही मार्केट जरा सा भी नीचे आने की कोशिश करेगा ना, उनका थोड़ा बहुत भी, उनको थोड़ा बहुत लॉस कम लगेगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगा। समझ आए, दोबारा से समझाती हूँ एक बार। अगर यहां पर मान लीजिए ये रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट ऊपर गैप अप में होता है,
तो क्या होगा, प्राइस एक्शन हमेशा ऊपर के साइड का होगा, आपको डाउन साइड में इतना प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन पुल बैक बड़े बड़े ऊपर के साइड पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग डाउन साइड की पोजिशन यहाँ पर बनाते, अब जिनका ऊपर के साइड का व्यू था वो तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो उसकी वजह से हमें रेड कैंडल्स दिखेंगी। बट क्योंकि यहाँ पर जो लोग डाउन साइड में अपनी पोजिशन बना रहे थे उनका तो लॉस होगा ना, तो उनको अगर लॉस दिखेगा और जैसे ही ये रेड कैंडल उनको दिखेगी तो उनको थोड़ा बहुत अपना जो लॉस है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता ही वो अपनी पोजीशन कट करेंगे, फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलेंगी वो अपनी पोजीशन कट करेंगे, तो इसलिए बहुत बड़े बड़े पुल बैक्स मिलेंगे। तो इसी चक्कर में ऑप्शन बाइंग में इस टाइम पे बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन में पैसा बनता ही नहीं है। ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छा पैसा बनता है गैप अप गैप डाउन में, बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन में, ठीक है। सो इसी रीजन से मैंने बोला था कि हम यहाँ पर अभी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो सकता है। अब देखो ट्रेड प्लान कहाँ बनता था, आज का ट्रेड प्लान सिर्फ ये था कि आप सिर्फ लो और छोड़ दो पी ऐसे। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये था हमारा डे का हाई, इसके बाद हमें ओआई ट्रैकर भी समझना एक बार, और इधर के साइड हमारा डे का लो। अब निफ्टी में देखोगे ना हमें दोनों ट्रेड बहुत बहुत अच्छे मिले हैं। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मैंने आपको ट्रैपिंग समझाई ना, हर एनालिसिस में मैं आपको ट्रैपिंग समझाती हूँ, जिस दिन भी हमें मिलती है उस दिन शॉर्ट शॉर्ट उस पर बात होती है। डे हाई के ऊपर प्राइस गया, प्राइस ने डाउन साइड आया, लेकिन हमारे लिए बेटर था कि प्राइस इस तरीके से एन पैटर्न बनाए तो हम एंट्री करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एन पैटर्न नहीं बना, प्राइस दोबारा से डायरेक्ट नीचे आ गया। हमारी इधर के साइड पे पी में एंट्री होनी चाहिए थी, बिना एन पैटर्न एंट्री ले सकते हैं, ओके। क्योंकि मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर जब भी डे हाई पे जाएगा ऐसे ही टर्न करता है, डे लो है मार्केट ऐसे ही टर्न करता है। लेकिन आप एक बार ये देखो, जब डे लो बना तो मार्केट ने टर्न करके एन पैटर्न दिया है, लेकिन ऊपर के साइड पे एन पैटर्न मार्केट ने नहीं दिया, तो हमारी यहाँ पे पी पे पोजीशन बनती थी और एंड ऑफ द डे तक हमें उसको लीव कर देना था, बिकॉज जब एक बार ट्रैपिंग हो जाती है तो वन साइडेड में मार्केट फिर मूव करना शुरू कर देता, बड़े बड़े पुलबैक्स देता, जो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे मार्केट डाउन साइड में आने की कोशिश करेगा तो जो भी रेंज में जिन्होंने भी डाउन साइड में अपनी पोजीशन बनाई हुई थी वो हर उस पर पुल बैक देंगे, जैसे डाउन साइड आने की कोशिश करेगा हर उस पर पुल बैक देंगे, और यहाँ पर भी जो शॉर्ट कर रहे हैं वो भी अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो पुल बैक्स आपको इस वाले टाइम पे बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, ओके। तो ये वाला जो दिन है वो बहुत ज्यादा, इसमें मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के जो अब तक के प्रॉफिट हो रहे थे सारा प्रॉफिट चला गया होगा अगर आपको इस टाइप के दिन नहीं पता, लेकिन ये दिन वो है जो आपको समझने के लिए, अगर ट्रेडिंग में जो सिंपल डेज होते हैं वो समझो ना समझो, लेकिन इन दिन को जरूर समझो, क्योंकि ऐसे दिन ही होते हैं जो ज्यादातर हमें अंडरस्टैंडिंग देके जाते हैं, और ऐसे ही दिन होते हैं जहां पर हम अपना हमारा जो ज्यादातर कैपिटल होती है हम हमारी सेव कर सकते हैं। सो ये हमारा एक ट्रेड इधर बनता था और एक ट्रेड हमारा इधर बनता था, इधर हमारा स्कैल्प होता, बिकॉज मेनली क्यों स्कैल्प होता, मैं हमेशा आपको रीजन बताती हूँ कि अगर आप उस किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो किसी प्राइस एक्शन के बेसिस पर एन पैटर्न पे कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी रैली चेक कर लो। जो ये गिरावट है यहाँ पे मार्केट में वो बहुत पहले 100 पॉइंट्स के ऊपर से ही शुरू हो गई थी निफ्टी में, सो यहाँ पर लिटिल बिट आपको जल्दी जल्दी से स्कैल्पिंग करनी थी। इधर के साइड से आप होल्ड करके बैठ सकते थे पोजिशन को, नेक्स्ट 1 आवर के लिए होल्ड करो एटलीस्ट, अगर कभी भी आपको ऐसे इस टाइप के लिए डे ट्रैपिंग मिलती है। अब आपको दोनों रीजन मिल गए कि किधर एन पैटर्न बनता है डेली टाइम फ्रेम पर, ऊपर भी लो पर भी और हाई पर भी, और किधर ट्रैपिंग होती है। सो दोनों रीजन बहुत अच्छी तरीके से निफ्टी ने दिए हैं। अब एक बार समझ लेते हैं ओआई ट्रैकर का। देखो ओआई ट्रैकर समझने के लिए ये वाला जोन देखते हैं हम, ये वाला। यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू डेली टाइम फ्रेम पर होता है, वीकली टाइम फ्रेम पर होता है, लेकिन इंट्राडे में भी बेसिकली छोटा सा है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, ये ट्रेंड यहाँ से मार्केट रन करते हुए आ रही थी, उसके बाद क्या हुआ मार्केट में इधर के साइड पे कंसोलिडेशन हुआ, दोबारा ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। अब यहाँ पर जब तक प्राइस था, अब यहाँ पर देखेंगे 1120 से और 1155, ओके 1120 से, एक बार 3 मिनट में भी चले जाते हैं काफी अच्छी तरीके से दिखेगा फिर ये कंसोलिडेशन। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1120 से और 1157 ऑलमोस्ट 12 बजे तक ही दिख रहा है, उसके बाद तो मार्केट उसके बाद तो एक तरीके से निकल चुका था मार्केट। अब 1120 से और 12 बजे तक हम एक बार जाके यहाँ पर देखते हैं ओआई ट्रैकर क्या बता, जब रेंज में होता है ना हम तब ट्रैक करेंगे मेनली, ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी में और निफ्टी में जाएंगे 1120 से 12 का हम डाटा देखेंगे, ठीक है वन सेकेंड। अब यहाँ पे जाके अभी 1238 के अराउंड हम पहुँचे हैं, हाँ।
अभी देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। अभी जैसे यहाँ पर जब हम हैं तो हमें क्या पता कि रेंज आगे बनने वाली, मान लीजिए हम मार्केट में अभी यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, हमें क्या पता आगे रेंज बनने वाली है या फिर आगे कंसोलिडेट करने वाला है। बट मान लीजिए हम ये अभी यहाँ पर हमने एंट्री नहीं की थी और अभी हम मार्केट को सिर्फ देख रहे हैं और यहाँ पर रेंज बन रही, तो रेंज का ब्रेकआउट हमें डाउनसाइड मिलने वाला है या रेंज का ब्रेकआउट हमें अपसाइड मिलने वाला है, हमें वो वाली चीज नोट करनी है एक बार। तो अभी हम मार्केट में यहाँ पर है कि हम अभी हम मार्केट को देख रहे हैं और मार्केट रेंज में है, तो अभी हमने देखा कि रेंज जो है 1120 से 12 तक स्टार्ट हुई है। तो हम जाके देखते हैं 1120 पे निफ्टी का चार्ट हमें क्या बोल रहा है। ओके, सो दिस इज 1124, ये निफ्टी एक्सपायरी लिखा हुआ है, हमें ये चीज देखनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बीच वाला जो पोर्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड वाला पॉइंट देखना है। पी माइनस सी का मतलब अगर यहाँ पे डेटा पॉजिटिव है तो पुट राइटिंग बढ़ रही है। अब किस किस लेवल पर पुट राइटिंग बढ़ रही है वो तो आपको ट्रेडिंग टिक बता देगा जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग बताएगा हर लेवल की। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बढ़ रही है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये चार्ट है 1124 का, हमें 12 बजे तक का देखना है। ये तो बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं। निफ्टी है दोबारा से, अब हर 5 मिनट में 11:23:24 के बाद अब 94,000, अब नेक्स्ट 5 मिनट में 1 लाख के अराउंड, ओके, यहाँ 1,06,000, पहले 94,000 थी अब 1 लाख पुट राइटिंग बढ़ रही है यहाँ पर। अब 1 लाख के बाद डायरेक्ट क्या हुई, 1,23,000, ओके, उसके बाद 1,36,000 और 11:45, टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है, 1,42,000। अब धीरे धीरे दोबारा से पुट राइटिंग इंक्रीज हो रही है। आपको ये डेटा दिख रहा है और उस टाइम पे मार्केट रेंज में है, क्योंकि अभी हमने देखा 11:20 से 12 बजे तक मार्केट रेंज में है और डेटा इंक्रीज हो रहा है पुट राइटिंग का। अब 11:50 फोर 1,42,000, ओके, उसके बाद 1,48,000, 11:56। अब 12 बजे का भी देख लेते हैं एक बार, 12 बजे 1,49,000। अब यहां तक आपको क्या पता चला कि ठीक है यहाँ पे डेटा बढ़ रहा है, मतलब पुट राइटिंग बढ़ रही है, तो यहाँ पर पुट राइटिंग बढ़ी। और उसके बाद अब यहाँ पे जो धीरे 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 पुट राइटिंग बढ़ी, अब ये वाली चीज होती है। अब देखो प्राइस ने किस तरीके से ट्रैप करा, हमें पता है कि पुट राइटिंग बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू आई ट्रैकर एंड डेटा के अकॉर्डिंग धीरे धीरे, और यहां पर प्राइस नीचे जा रहा है। तो अभी जब हम देख क्या है कि 11:20 से लेके 12 बजे के बीच में जो रेंज में जब तक प्राइस था तब तक जो पुट राइटिंग है वो इंक्रीज हो रही है, तो मार्केट नीचे क्यों जा रहा है अगर डेटा पॉजिटिव है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके से ट्रैपिंग हुई। यहां पर किसी ने एंट्री नहीं की होगी, यहां पर कोई एंट्री करेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो यहाँ पे एन पैटर्न नहीं है, रेंज का ब्रेकआउट भी होगा तो इधर के साइड से क्या हुआ, जो इस वाली कैंडल को देखकर सिर्फ जो लोग होते हैं जो एंट्री कर गए, जिनको ना एन पैटर्न का पता ना डेटा का पता, जो लोग एंट्री कर गए वो हो गए ट्रैप, और यहां से मार्केट ने फिर शानदार ऊपर के साइड मूव किया। और डे हाई पर आपको एक बार निकल जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी मार्केट में अगर आपको 20-30 पॉइंट मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, अगर इतने बड़े गैप के बाद आपको 20-30 पॉइंट मिले। और यहाँ से डायरेक्ट कितना शार्प मूव आया है, यहाँ पर आपकी एग्जिट बन जानी चाहिए थी इस वाले कैंडल की, जैसे ब्रेकआउट होता है इस वाले कैंडल पर आपको एग्जिट कर देना चाहिए था, उसके बाद मार्केट कहीं जाए, ठीक है। तो इस यहां से आई होप कि आपको ओआई ट्रैकर का सिस्टम समझ आया होगा कि धीरे 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 डेटा भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे तो ये जो कैंडल है ऑलमोस्ट ये 12:12:03 की है, और 12 वाला जो यहाँ पे चार्ट है इस टाइम पे 1,54,000। तो धीरे धीरे जो हमारी यहाँ पे पुट राइटिंग है वो इंक्रीज हो चुकी है। ये जो पी माइनस सी है ना, इसका मतलब यहाँ पे राइटिंग सी बताई गई है, पुट राइटिंग माइनस सी। अब अगर आप ये बैंक निफ्टी देखोगे ना तो बैंक निफ्टी नेगेटिव चल रहा है, इसका मतलब इतने लोग कॉल राइट कर रहे हैं, तो कॉल राइटर जो होता है वो मार्केट को रोकता है, ठीक है, वो ऊपर नहीं जाने देता। तो बैंक निफ्टी में ऑपोजिट डाटा चल रहा है तब से ही, बैंक निफ्टी में ऑपोजिट डाटा चल रहा है तब से ही, तो कॉल राइट कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ, अच्छा ये तो निफ्टी का है, हाँ बैंक निफ्टी में, अब बैंक निफ्टी में जो डाटा है वो चेंज हुआ इस वाले सिनेरियो के बाद, और अब बैंक निफ्टी में पॉजिटिव डाटा बनने लगा। उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे बैंक निफ्टी में पॉजिटिव डाटा बनता गया, उसके बाद फिर आपको ऊपर के साइड पे इधर के साइड पे आपको मूवमेंट दिखी होगी, या फिर इस वाले जोन में आपको मूवमेंट दिखी होगी। सो इस तरीके से जो है ओआई ट्रैकर वर्क करता है। बट मेनली क्या चीजें हैं कि आप जैसे जैसे धीरे धीरे प्राइस एक्शन के साथ फेमिलियर हो गए उसके बाद आपको ओआई ट्रैकर की नीड नहीं पड़ेगी। वो स्टार्टिंग फेज में इफ यू आर न्यू और अगर आपको डेटा समझना है तो उसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं, इट इज सिंपल। बाकी वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से ऑप्शन यूज करते हैं, ये वाली चीज यूज करते हैं, ट्रेडिंग टिक यूज करते हैं डेटा समझने के लिए, वो आपके हाथ में है। बाकी जब रेंज बनती है तब आप डेटा को ट्रैक करो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डेली का हो गया, अपडेट हो गया, जो आज की लर्निंग थी वो भी समझा दी, और जो ऑयल ट्रैकर था वो भी हो गया। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं
डू मैसेज मी विद योर चार्ट्स अगर आज कोई लॉस हुआ है तो रीजन हम डिस्कस करेंगे उसका। बाकी अगर किसी और चीज पर आपको डिस्कशन करना है और कोई और सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो जो फर्स्ट मैसेज है वहां पर आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, वहां से मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच, बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैप्पी फाइनेंशियल लिटरेसी।